कुछ बहुत अच्छी तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल अपने गुजरात के दौरे पर हैं। आज उनका दूसरा दिन था गुजरात में और आज उन्होंने नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये देश की तीसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसे गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच चलाया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चल सकती है और कुछ ही सेकंड में ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। गति और सुविधा के मामले में ये ट्रेन भारतीय रेल के लिए अभी तक की सबसे बड़ी छलांग है। अब आपको तस्वीर हम दिखाते हैं क्या हुआ, और प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस ट्रेन के लिए बहुत प्रचार किया है, इसके लिए बहुत बैटिंग की है, वो भी आप देखिए। हवाई जहाज में यात्रा करते समय अंदर जितनी आवाज आती है, वंदे भारत ट्रेन में वो आवाज शायद 100वें हिस्से की हो जाती है, यानी 100 गुना ज्यादा आवाज विमान में होती है। विमान में अगर बातचीत करनी है तो काफी दिक्कत रहती है। मैं वंदे भारत ट्रेन में देख रहा था, आराम से मैं लोगों से बातचीत कर रहा था क्योंकि कोई आवाज ही नहीं थी बाकी। इसका मतलब जो लोग हवाई जहाज के आदि हैं उनको अगर ये आवाज के विषय में ज्ञान हो जाएगा, मैं पक्का मानता हूं वो हवाई जहाज नहीं वंदे भारत ट्रेन पसंद करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी अब असल में ट्रेन के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं और वो लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि हवाई जहाज छोड़कर वो ट्रेन में सफर करना शुरू करें और खासतौर पर इस तरह की हाई स्पीड ट्रेन्स में। अब आपको एक और बहुत दिलचस्प खबर दिखाते हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी सड़क के रास्ते अपने गुजरात दौरे पर निकले हुए थे, उसी समय एक उसी रोड से उसी हाईवे से एक एम्बुलेंस गुजर रही थी और प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा काफिला रुकवा दिया, सड़क के किनारे अपनी गाड़ियों को खड़ा कर दिया ताकि उस एम्बुलेंस को रास्ता मिल सके। और जब वो एम्बुलेंस वहां से गुजर गई, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के काफिले ने फिर से अपना सफर शुरू किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और वो खुद ये काम करके दिया है कि जब भी आपको सड़क पर कोई एम्बुलेंस दिखाई दे तो आपको उस एम्बुलेंस को सबसे पहले रास्ता देना चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुद किया। अपनी गाड़ी को उन्होंने सड़क के किनारे लगा लिया, इंतजार किया, एम्बुलेंस को पूरी जगह दी और जब एम्बुलेंस वहां से चली गई उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़े।